तो हम सभी पहुंच गए सवेरे जम्मू तवी, और जम्मू तवी से अब कटरा के लिए लोकल ट्रेन पकड़ा। और फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन आने वाली रही, उसके बाद ट्रेन जैसे ही ट्रेन आई जम्मू तवी से हमसे कटरा ट्रेन पकड़े। और देखा कितना अच्छा मौसम बाटे, आनंद लेत की पहाड़ वहाड़ देखत कहीं। हम सभी धीरे धीरे फिर आई गए कटरा के नज़दीक और कटरा पहुँच गए। ये है जम्मू से तभी का सफ़र रहा और कटरा पहुँच गए। उसके बाद कटरा माँ वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पहुँच गया। अब यहाँ से हम सभी पकड़ब ऑटो वगैरह, आप सब देख सकते हैं माँ वैष्णो देवी कटरा। अब यहाँ उतर गए ही, और यहाँ उतरे के बाद अब चलते हैं यहाँ से ऑटो लेव, या पैदल भी जा सकी था, यहाँ से ज़्यादा दूर ना। और यहाँ देखा था कितना मस्त नज़ारा हुआ। पहले यहाँ उतरे के बाद सब सेल्फी ले थे, बाकी माता के दर्शन करे भी जाए भी तो बाद में देखा थे, पहले सेल्फी लेंगे, फोटो खींचे हैं, पहाड़ वगैरह देखे हैं, व्यू इतना अच्छा बना उतरे के बाद। आप सब यहाँ टैक्सी ले सका था, और बाकी कुछ ऐसा यहाँ नज़ारा बा। और अब हम सभी चलते ही कहता हूँ रूम वूम ले, रूम ले फिर वहाँ नहा धो, ओकरे बाद फिर तैयार हुई, फिर वहीं से निकला यात्रा कर रहे। बाकी इधर होटल वगैरह बा। तो सबसे पहले हम फोन का नेटवर्क चला रहा था, हम चलाए सीधा सिम ले, एयरटेल के एक सिम ले जो 350 का मिला, फिर हम और ऊपर नेटवर्क ऊपर था। और यहाँ हो तो पंजीकरण फाइनली हम अपन पंजीकरण करवा लिया। पंजीकरण कराए बाद कुछ इस तरह समय मिला, और अब एक गले में पहने के बाद और फिर यहाँ से यात्रा शुरू हुई। आइए होटल में, और होटल में रूम ले फिर नहा धो फिर यहाँ से निकलब, और यात्रा कैसे हुए दिखाऊँ आप सबको। बोलो जय माता दी। चलो ठीक हुआ, बना रहा हमारे साथ में, आगे आप सब बहुत कुछ देखेंगे। फाइनली हम आइए रूम में भाई साहब साथ में। देखा था भैया, अरे ऐसे कुछ नज़ारा बा यहाँ के, देख लो। अब भाई आप सबको दिखाते ही, जवन यही दिखात बना टीना, यही नीचे से ऐसे ऊपर फिर ऊपर ऐसे घूम फिर ऊपर फिर दिखात हो फिर सीधा हुआ ऊपर, मतलब राउंड फिर ऊपर हुआ दिखात बो, फिर ऐसे 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 उधर जाएगी अपने के। कुछ खाया हुआ नहीं? फिर यह समारोह की यात्रा हो शुरू, और कुछ इस तरह से नहाए वाए लिए तो काफ़ी लंबा सफ़र भी थे। अभी टी शर्ट और लोअर पहने रहे, अब यह सोई एंट्री हमारे से अंदर, और यहीं से अब फिर अंदर जा, और यहीं से बाकी सब एंट्री कराओ, फिर एंट्री के अंदर यात्रा शुरू हो, पैदल तक यात्रा हाँ से शुरू हो माता रानी के मेन, मतलब जहाँ से चढ़ाई हो था। अब तो ढलान टाइप का रहा, तो नीचे आए फिर नीचे से ऊपर तरफ जाते ही, तब हम सभी जाते ही हमारे शुभम भैया हैं, बाकी और सब जने पीछे हैं। तो यहीं से दो रास्ता जाते हैं, एक इधर से जाते हैं एक इधर से। तो जौन न्यू ट्रैक बना भाई इधर से बन, और ये पुराना वाला बस नए वाला जौन बस दूर पड़ा था, तो पुराने वाले से जाब हम सब है इधर से। तो हम सब आइए बाढ़ गंगा के पास, बाढ़ गंगा यहीं सब नहाते हैं। अब कथा भी नहाते हैं इतना जानकारी नहीं है, लेकिन ये सब नहाते हैं। और हम उससे चलते हैं हाथ पैर धुल ले, कायक हमसे ऑलरेडी नहा चुका है, ये देखा सब यही नहाते हैं। फिर हम सब बाढ़ गंगा से पानी वानी छिड़क उड़क के फिर चलते हैं अब आगे की तरफ। तो फाइनली भाई हम यहाँ पहुँचा ही माता रानी पहला मंदिर पड़ा, और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। फाइनली हम पहुंच गए चरण पादुका मंदिर, देखो कुछ इस तरह सजा हुआ, हमें लगा नवरात्रि के समय में सजा रहा। सब दर्शन करते हैं ना, हम सीढ़ी से आ रहे हैं इसलिए इतना पसीना है, सीढ़ी से आएंगे तो ऐसा हाल हो जाएगा। तो भैया ना भाई हम यहाँ पहुंचा है, देखा था पूरा बादल दिखा रहे, और अब हमें ऊपर जाए वहीं तक। गाड़ी साथ है भाई, हेलीकॉप्टर।
तो हम सुबह पहुंचाई अर्धकुमारी, और अर्धकुमारी के कुछ इस तरह से नजारा हुआ। सब आधा रास्ता लगभग आ जाते ने यही भी आराम करता हम, और हम से चलते हैं अर्धकुमारी दर्शन करके पर्ची कटावे। और पर्ची कटे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, और अवेयरनेस नंबर लगाए थे हो सके कल तक नंबर आ जाए। फिर ठीक हुआ, हम सब चलते ही और आगे अब यात्रा शुरू कर। अब तब हम सब अर्धकुमारी से जाते ही माता वैष्णो की तरफ। कुछ इस तरह से रास्ता बा, कुछ इस तरह से मौसम, और नीचे कुछ नहीं दिखाए काहे बदरी भी एकदम बहुत बदरी माई है। ठीक बात, जय माता दी, माता रानी कृपा आप सबको बनी रहे। तो भैया अभी शाम के 6:15 हुई होगा, और अभी हम चढ़ाई कर रहे थे, और यहीं से अर्धकुमारी डाक गए, और यहीं से भाई 4 से 5 किलोमीटर बचा बस। और देखा था कितना ऊंचाई भाई, माता रानी पास में ही कुछ देर में दर्शन हो जाए, लगभग 11-12 बजे तक पहुंच जाओ। तो फाइनली हम सब अब पहुंच चुका है, और अब यहाँ काउंटर पे मोबाइल पर्स सब कुछ जमा हो जाए, तो आप सबके और वीडियो आगे दिखाओ। तब तक के लिए बाय बाय। तो आप सब देख सकते हो माता रानी की ही मंदिर आटे, और कितना भव्य मंदिर लगा था, और कितना सुंदर, मतलब कितना ही बोली जैसे लगा था स्वर्ग में आई है। और सब यहीं से फोटो वीडियो सेल्फी मतलब जवन भी जे कर ले वो करत रहे, हम सोचे वीडियो बना ले रील बना ले भाई। अब इतना पास में आए के बाद के ना चाहे वीडियो बनावे, हम उसे पहले मोबाइल जमा करे, पहले वीडियो वीडियो खूब बनाए, खूब अच्छा लगा। माता तो भैया हम सब माता रानी दर्शन के लिए अब भैरव बाबा दर्शन करे जाते ही, और आप सब बना रहा आप सबके आगे भैरव बाबा भी दर्शन कराओ अगर फोन अलाउ रहे अंदर। तो भैया अरे भैरव बाबा लंगर के पास, मतलब भैरव बाबा के पास पहुँच गए फाइनली, और बहुत ज़्यादा थक गया है। ये देखा भैरव बाबा लंगर बोर्ड लागवा, और भैरव बाबा इधर वो भैरव बाबा ऊपर हैं बस यही बा। तो भैया हम सब भैरव बाबा के मतलब जहाँ दर्शन करे वहाँ बैठे है हमें, बाकी 3-4 जने गए हैं दर्शन करके के यहीं मंदिर यहाँ पर। हम सब बैग रखा हुआ था, बैग रखा हुआ बंदर लग बैग चला जाए, बंदर लग जाए नहीं, ये बहुत ज्यादा बंदर बाटे हैं। और हम सब बहुत ज्यादा थक गए है, और आप सब सलाह देव अगर पैदल चले शक्ति हो तब ही आवत जाया, न शक्ति हो तो मत आया। और लड़के बच्चे लेके आया तो इतना क्षमता रखा कि ऊपर तक चढ़ी जाया, काहे खड़ी सीढ़ी पर थोड़ा प्रॉब्लम हो। ठीक, तब हम सब जाते ही भैरव बाबा का दर्शन करें, और आप सब देख सकते हैं कुछ इस तरह से बाटा बैरिगेट लगा हुआ, घर से जाए 2-3 राउंड घूम के फिर दर्शन है। हम सब भैरव बाबा के दर्शन उर्शन के लिए, और माता रानी दर्शन के बाद भैरव बाबा वहीं से 2 किलोमीटर रहन आए हमसे, थोड़ा खड़ी चढ़ाई रहा, दर्शन हो गया होगा सफलतापूर्वक, और अब हम सब घर के लिए निकल गए हैं। जय माता दी। ये वीडियो आप सब देख सका था ऊपर से नीचे का नजारा, मतलब कितना ज्यादा ऊपर। तो भैया अरे हमारे से दर्शन यात्रा पूरी हुई है, और चलते ही अब नीचे हुआ ये है, और अब चलते ही होटल में, और आज ब्लॉग यहीं एंड करी था। जय माता दी, मिली थी नेक्स्ट ब्लॉग में।